दसराज जू के भैंस पुत्र जुग महाबली आला और ऊदल चंदेल के सुलभता आला के ईदल भो ऊदल के भो नरेंद्र पुत्र भय नामी और सनामी भो चंदेल राज। महोवा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासो की इस अमर बानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों का। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं आशुतोष राणा धरोहर में आज आपको सुनाऊंगा चंदेल कालीन लोक महाकाव्य आला खंड में वर्णित रणबांकुरे आला ऊदल की अमर कहानी। मेरी मिट्टी के धरोहर है। ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मलहना के साथ हुआ था। मलहना की दो छोटी बहनें भी थी, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेनानायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इस विवाह से महारानी मलहना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में दो अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मलहना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेबा नामक बालक का जन्म। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आलाखंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं। मित विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मित मिलन को ना। मित विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मित मिलन को ना। विपत्ति के मित्र ढेबा है और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं हैं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था। के पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा टेक लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडोगढ़ के बघेल राजा ने महोवा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म दिया। क्या हुआ था बताऊंगा कुछ ही देर में, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी की धरो फिर से स्वागत है आप सभी का धरोहर में। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आपको आला ऊदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया और चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और वत्सराज को मारकर उनका सिर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया।
आज भी अलहत उल्लेख करते हैं कि टंगी खुपड़िया है बरगद पर बरखा सहे सीत और घाम और आधी रतिया की बेला में रोबे ले अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं जही दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी अढ़ाई हाथ, यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से अढ़ाई हाथ यानी ढाई हाथ धस गई। लेकिन ऊदल की माता देवलते खुश न थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये। देवलते, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मलहना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष, ये तो नियति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती ढाई हाथ नीचे धस गई, वो कुलनाशक नहीं तो और क्या है, कहो ना। देवलते, तुम कटु हो गई हो, तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है। मलहना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करो। हाँ बिल्कुल, आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा हे धर्म की माता, हे मालंदे, जो ऊदल को दियो बचा। धर्म की माता है मालंदे, जो ऊदल को लिए बचा। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते पांचों बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सब में ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, ऊदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा है बताऊंगा कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी की धरोहर है। 92.7 बिग एफएम पर फिर स्वागत है आपका। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला ऊदल की। ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्म कुमार और ढेबा, ये पांचों इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं है, और ऊदल की तलवार और युद्ध कौशल का तो क्या कहना। वाह। कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करें महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता,
तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात उदल के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं, तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच उदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं उदल। आओ भांजे उदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज, अभी तो आप प्रिय उदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय उदल, मांडोगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच उदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ, हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडोगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। उदल के मुंह से यह बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उदल टस से मस ना हुआ। तब देवलते को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके कहवा उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडोगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे तब के दही है तो के मार। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभी मन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था, लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलदे उदल के तर्कों को काट ना सके। तभी उसने उदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना उदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात उदल अवश्य सुनेगा। क्या कहा मलहना ने उदल से? क्या उदल ने मलहना की बात मानी? बताऊंगा बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। मेरी मिट्टी की धरोहर है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं धरोहर, जहां मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं आपको कहानी आल्हा उदल की। मलहना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मलहना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने उदल की ओर देखा। हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मलहना ने उदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे उदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना,
बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना। युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना। कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर ऊदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडोगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से ऊदल को अवगत करा दिया। ऊदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडोगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है, कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिये सिया, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है उदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब, लेकिन क्षत्रि का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। महाराज से विदा लेकर ऊदल ने अपने बाकी चारों वीर भाइयों को बुलाया और सभी लोग एक साथ मिले और मांडोगढ़ को जीतने की योजना बनाने में जुट गए। हम एकदम से मांडोगढ़ पर चढ़ाई नहीं कर सकते, पहले वहाँ के भेद जानने होंगे, उनके दुर्ग के बारे में जानना होगा, तभी यह युद्ध हम जीत सकते हैं। क्या कहते हैं भैया आला? आप ठीक ही कह रहे हैं भ्राता मलखान। आला, यदि मांडव के किसी सिपाही या अधिकारी को हम अपने साथ मिला लें तो? नहीं भ्राता ब्रह्मा, आपका सुझाव ठीक है, किंतु शत्रु राज्य के किसी सिपाही को साथ मिलाना ये जोखिम भरा है। यदि उसने हमारे साथ ही विश्वासघात कर लिया तो? ठीक कहते हो ढेबा, शत्रु के किसी भी व्यक्ति पर हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक योजना है। ढेबा की बात मानकर सबने योगी का भेष धारण किया और अपनी अपनी माताओं के पास पहुँच गए, किंतु माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई। माताओं ने उन्हें योगी ही समझ लिया। राजा परमाल ने उस दिन आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित किया। सेनापति आल्हा की, सेनापति आल्हा की। स्वस्ति न इंद्रो रथश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठदेवी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजा परमाल ने उसे किरलिया नामक घोड़ा दिया, ब्रह्मा को हरनागर नाम का घोड़ा दिया, मनोरथ नाम का घोड़ा ढेबा को मिला, और बिंदुला नामक घोड़ा ऊदल को, और मलखान को कबूतरी नाम की घोड़ी दी गई। महोबा की सेना तैयार थी और मांडोगढ़ की ओर कूच कर गई। नगाड़ों और दुदुम्बियों से आकाश गूंज उठा। महाराज परमाल की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे, किंतु क्या युद्ध इतना आसान था? क्या 5 नवयुवकों के दम पर एक महायुद्ध को जीता जा सकता है? जानेंगे अब से थोड़ी देर में। बस सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर, मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी की धरो 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं धरोहर, और मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला ऊदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। मांडवगढ़ की ओर कूच करने के कई दिन बाद महोबा की सेना ने मांडवगढ़ राज्य की सीमा के पास ही बबूरी बन यानी बबूल के जंगल में पड़ाव डाल दिया। सेना की बागडोर राजकुमार ब्रह्मा के हाथों में सौंपी गई। आल्हा, ऊदल, मलखान और ढेबा योगियों के भेष में मांडव राज्य की सीमा में दाखिल हो गए, और योगी होने के नाते उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। कुछ ही देर बाद वे मांडवगढ़ किले के मूल द्वार पर पहुंच गए।
द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए। अलग निरंजन, कहो वत्स, क्या समस्या है? आप लोग कहां से आ रहे हैं? सुदूर हिमालय से। इतनी दूर से? कोई विशेष काम? वत्स, हम सन्यासी हैं, हिमालय से चले हैं दक्षिण के हिंदू सागर तक। रास्ते में तुम्हारा ये नगर आ गया, इसलिए हमने सोचा कि इस नगर की सेवा ग्रहण कर ले। सुना है यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? अगर सन्यासी को ये पता होता कि वो कितने दिन ठहरने वाला है, तो फिर वो सन्यासी ही क्यों होता? मन हुआ तो सालों, वरना एक क्षण। मगर वत्स, तुम्हें कोई असुविधा हो तो हम आगे की ओर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूछना मेरा काम है। आप बुरा मत मानिए, मांडवगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अंदर से अनुमति मिलने के बाद द्वारपाल उन चारों योगियों को अंदर ले गया। अंदर पैर रखते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी। वट वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर दो सिर टंगे थे, दक्षराज और वत्सराज के। ये देखकर उदल अपने आप को रोक नहीं पाया, और शायद द्वारपाल उदल के मानसिक उद्वेग को पहचान गए। अरे छोटे बाबा जी, पेड़ पे टंगी उन खोपड़ियों को क्या देख रहे हैं? इस नगर में और भी सुंदर चीजें हैं, उन्हें देखिए, उनका आनंद लीजिए। अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या देखना है? आला ने हालात को संभालते हुए कहा। स्वामी उदयानंद, आप सन्यासी हैं, किंतु पेड़ पर दो शीश देखकर उद्विग्न हो गए। सन्यासी को किसी घटना से विचलित होना शोभा नहीं देता। एक सन्यासी के लिए मृत्यु अंतिम सत्य नहीं होता। क्षमा करें गुरुदेव, भावना के ज्वार को रोक नहीं पाया, किंतु इतना विभत्स कृत्य कौन कर सकता है? अरे स्वामी जी, हमें इन सब से क्या लेना? आप पधारे हमारी नगरी में। योगी आगे बढ़ गए। जब सारे योगी रनिवास में रानी कुशला के पास पहुंचे तो उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। फिर रानी ने उनसे भजन गाने का आग्रह किया। आला ने अपनी ढबली निकाली, मलखान ने मृदंग और ढेबा ने बांसुरी, और उदल अपने मीठे स्वर में गाने लगे, और उन्होंने वहां पर समा बांध दिया। हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी अखिया। कहते हैं कि महुवरी बाज रही आंगन में, युवती देख देख ठग जाए, और राग रागनी उदल गावे, पक्के महल दरारा खाए। वाह, ऐसे दिव्य संगीत को सुनकर रानी मुग्ध हो गई। उन्होंने मोतियों से भरी थाली योगियों को भेंट कर दी। योगी मोतियों को हाथ में लेकर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। स्वामी जी, इतनी उत्सुकता से क्या देख रहे हैं? माता, ये किस वृक्ष के फूल हैं? बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम। योगियों की सरलता से रानी और भी प्रभावित हुई। फिर रानी कुशला ने आला से कहा। महाराज, ये मोती हैं, सागर में पाए जाते हैं, अनमोल हैं। तो फिर हमारे लिए ये किस काम के माता? हम तो निर्मोह की राह पर चल पड़े हैं। हमारे गुरुदेव का यह आदेश है कि थोड़ा भोजन अधिक भजन। इन मोतियों को लेकर हम क्या करेंगे माता? इन्हें आप ही रख लें। महाराज, यहाँ हमारे महल में प्रायः योगी महात्मा और संत आते हैं, लेकिन अहोभाग्य हमारे कि आप लोग यहाँ पधारे और ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे योगियों के दर्शन हो गए हैं। तो महाराज, निसंकोच आप हमें बताएं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। माता, गांव खलिहानों में घूमने वाले हम योगियों का राजमहल में यह पहला पदार्पण है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दें तो अच्छा हो। बस इतनी सी बात? राजमहल की परिक्रमा क्या? यदि आप यह राजमहल भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते।
रानी ने अपने गले से 9 लाख हार उतारकर योगी के हाथ में रख दिया और राजकुमारी विजय सिन्हा को पूरा दुर्ग दिखाने का आदेश दिया। इस प्रकार वीरों ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। अब आगे का रास्ता और कठिन था। एक चुनौती उनके सामने आने वाली थी। क्या थी वो चुनौती? क्या ये वीर अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी की धरोहर है। 92.7 बिग एफएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं धरोहर आशुतोष राणा के साथ। और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी वीर शिरोमणि जावाज योद्धा आला उदल की कहानी। मेरी मिट्टी के धरोहर है। राजकुमारी विजय सिन्हा योगियों को लेकर दुर्ग दिखाने निकल पड़े। वो उदल के साथ साथ चल रही थी। पूरा दुर्ग दिखाने के बाद राजकुमारी दुर्ग की सुरंग के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो द्वंद में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन योगियों को दुर्ग का गुप्त रास्ता या सुरंग दिखाई जाए या नहीं। एक तरफ मां का आदेश और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। उदल ने राजकुमारी के हाव भाव से यह समझ लिया था कि राजकुमारी विजय सिन्हा कुछ छुपा रही है। उदल ने बड़ी दृढ़ता से राजकुमारी को समझाया। अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। राजकुमारी देखिए, आपको रानी माँ ने आदेश दिया है कि आप हमें इस दुर्ग की पूरी परिक्रमा करवाएं। हम योगी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम श्राप दे देंगे और तब ना ये दुर्ग बचेगा न राजशाही। आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने राजमाता को अपनी बातों में उलझा लिया है तो हम भी आपके इस भुलावे में आ जाएंगे। तुम योगी नहीं भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूँ तुम महोबा के वीर उदल हो। विजय सेना की बात सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने उदल को पहचान लिया था, मगर कैसे ये किसी को समझ नहीं आ रहा। आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाक पहनकर बेंदला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। उदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहां पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। उदल ने राजकुमारी को अपने पिता बघेल राज जंबे को बुलाने का जिक्र किया, लेकिन राजकुमारी स्वयं उदल के सम्मुख समर के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी उदल को धर्म युद्ध के नियम याद आ गए। दोनों ने तलवारें तान ली और युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी एक कुशल योद्धा की तरह उदल पर वार करते रहे और उदल सिर्फ अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी मां मलहना का आदेश गूंज रहा था कि स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। अचानक घटी इस घटना ने सबको भौचक्का कर दिया था। आल्हा, ढेबा और मलखान अचंभित खड़े देख रहे थे। कुछ देर तक वार करने के बाद राजकुमारी थक हार कर बेहोश हो गई। तभी सबने मिलकर राजकुमारी को हवा की, पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। जब राजकुमारी होश में आई तो उसका अभिमान पिघल कर पानी हो चुका था।
वीर उदल, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम उससे ज्यादा बहादुर और धर्मप्रिय हो। यह सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है, इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है उसके पीछे एक सुरंग है जो यहां से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। यह दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है कि किसी और रास्ते से यहां प्रवेश कर पाना तुम लोगों के लिए शायद नामुमकिन हो। सुरंग का दूसरा मुंह बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहां महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। ये भेद खुलने के साथ ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या महोबा के 5 युवा महावीर महोबा की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी बिग FM पर आप सुन रहे हैं धरोहर, जहां मैं आशुतोष राणा आपको सुना रहा हूं कहानी बुंदेलखंड के शूरवीर आला उदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। मेरे पिता ने निश्चय ही तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह तड़के महोबा की सेना ने मांडोगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज जंबे की। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडोगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आला को ललकारा। हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चाचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात में बाढ़ी रार, बात के ऊपर ठेवा हुई गई कमर खुली गई तलवार। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आला की आंखों में धूल झोंक कर आला की ओर बढ़ गया। फिर उसने उदल पर भाला फेंका। भाला उदल के शरीर के पार हो जाता यदि उदल का घोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चाल ना बदलता। उदल के करीब से निकल कर करिंगा का भाला धरती में धस गया। इस घटना से राय कलिंगर आश्चर्यचकित रह गए। उसने उदल पर तलवार से आक्रमण किया और उदल ये कहकर राय करिंग पर टूट पड़ा कि पहली बाणी मैं बोलत नहीं, दूजी मैं नहीं करते रार, और तीजी बाणी मैं छोड़त नहीं, मौ में ठूसते तलवार। और उदल के पहले वार में ही राय कलिंगर घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडोगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे
कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही उदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गईं और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई? राजकुमार करिंगा ने कौन सा पैंतरा खेला? जानने के लिए सुनते रहिए धरोहर पर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी मिट्टी की धरोहर है 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं धरोहर और मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आल्हा उदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। सूरज की पहली किरण फूटते ही युद्ध फिर आरंभ हो गया। राय करिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारें निकल गईं और तुरही नाद के साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा बहादुर फरकन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार और कटकट मोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरा। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आल्हा ने उदल को राय करिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। उदल को आता देख राय करिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और उदल पर टूट पड़ा। राय करिंगा उदल पर अपनी तलवार से एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और उदल उनके दिमाग में अपनी योजना अनुसार राय करिंगा को थका देना चाह रहे थे और उदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही उदल को महसूस हुआ कि राय करिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है और वैसे ही उदल ने लपक कर राय करिंगा के ऊपर ऐसा जोरदार कि राय करिंगा का सर धड़ से अलग हो गया। राय करिंगा के मर जाने पर मांडोगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान आल्हा उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर यह खबर दी कि युद्ध में आल्हा और उदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। यह खबर मिलते ही देवलदे और मलहना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विवल हो उठा। चारों ओर मरघट की सी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल पहुंचा और उसने राय करिंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उरई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था। अगले दिन के युद्ध की शुरुआत में ही मलखान के हाथों सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडोगढ़ के किले को घेर लिया। कहते हैं कि ये खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन या सहजो योगिनी, ये एक ऐसी योगिनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी, जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजो ने बंगाली पुड़िया मारकर उदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मढ़ी में उदल को बांध दिया। उदल गायब हो चुके थे। उदल के ना मिलने पर आल्हा बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य वाणी से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया।
पूरी कहानी समझते ही आला ने मलखान और ब्रह्मा को बुला भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगी ने हमारे भाई उदल को बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा, आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात? तथास्तु। और उदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आला ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होगा हमारी विजय स्वप्न के जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जंबे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त तीन वीरों को रास्ते में सहज जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था और किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों के पास पहुंचे तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर उनके पास पहुंचा। महाबली उदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जंबे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है और वो है सुरंग। उदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुख में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुख पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो तुम दोबारा आग लगाना। और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंबे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भौरानंद हाथी पर सवार था। भौरानंद हाथी सजवा हो, दाबे बैठो जा, दाबे बैठो जा। हाथी चल गए तो जंबे का ताकि शोभा कहीं न जाए, शोभा कहीं न जाए। उदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टापे हड़ा दी और होदे यानी पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और उदल घोड़े से छलांग लगाकर होदे पर चढ़ गए और जंबे को बिना कोई मौका दिए जंबे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जय ध्वनि से पूरा किला गूंज उठा। क्या बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही न जाए, एक कुमार है दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों के चरण स्पर्श किए। आला ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा वत्सराज के सर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। उदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसने जंबे का सर निकालकर मलहना के चरणों में रख दिया था और बोला कि बाप कबैरी जो ना मारे ओ का मांस गीद ना खाए और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंबे का शीश उतार है। आला उदल और राजा परमाल की जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी ना कभी तो थमना ही था। मांडोगढ़ की जीत के बाद आला उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आला उदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आला और उदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का ये षड्यंत्र? आज नहीं, अगले हफ्ते क्या होगा जब माहिल चलेगा एक और चाल?
सुनिएगा जरूर। धरोहर में मैं आशुतोष राणा सुनाऊंगा आला उदल की इस दिलचस्प कहानी का दूसरा भाग सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी मिट्टी।